दोस्तों कैसे हो दोस्तों। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत पैटर्न जिसे बनाना बिल्कुल आसान है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है, आप किसी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, लेडीज जेन मेल फीमेल या बेबी कार्डिगन या बेबी कैप में या जेंट्स ग्लव्स में बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम इस डिज़ाइन के लिए फंदे उठा लेते हैं। ये वाला पैटर्न आप ज़रूर बनाइए और दोस्तों कमेंट के माध्यम बताइए कि ये डिज़ाइन कैसा लगा। ये हमने 1, 2, 5 एक सिलाई या पहला रो हम फंदे थोड़ा टाइट होते हैं, नए नए फंदे उठाते हैं तो घूम लेते हैं। दोस्तों हमने फंदे ले लिए हैं और इसे एक सिलाई आगे से एक सिलाई पीछे से बुन लिया है। और ये डिजाइन बनाने के लिए दोस्तों हमें बाकी डिजाइन बैक साइड से पड़ती है। दोस्तों ये हमें फ्रंट से डालनी होगी। और दोस्तों ये डिजाइन हमें 3 फंदों से डालना पड़ेगा। तो एक फंदा हम ऐसे ही उल्टा बोल लेते हैं, फिर अपने ऊन को पीछे करेंगे और 3 फंदे हम लेंगे। दोस्तों 3 फंदों के जैसे बीच से हमें फंदा बुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं बुनना है, 3 फंदों के बीच से हमें ऐसे बुनना है कांटे और ऊन के बीच में। तो ए ढीला रखेंगे, 2 और ये 3 हल्के हाथ से ढीला रखेंगे। देखिए फिर दोस्तों क्या करेंगे, अपने ऊन को इस पे एक राउंड ऐसे लपेटेंगे, ये ऐसे एक राउंड लपेट देंगे, फिर तीनों फंदों से एक फंदा बनाएंगे ऐसे। उसके बाद फिर जो 3 फंदे हैं उसके बीच से फिर एक एक फंदे निकालेंगे, 1, 2 और 3, फिर अपने कांटे के ऊपर एक राउंड ऐसे लपेटेंगे, फिर तीनों का एक बनाएंगे। ये देखिए फिर वही प्रक्रिया दोबारा करेंगे, यानी हमारे ये रो पूरी ऐसे ही जाएगी। थोड़ा ढीला रखिए ताकि ये छोटा ना हो जाए। रून के ऊपर कांटे के ऊपर ऐसे लगे, और इसे प्यार से ऐसे खींचिए। पहले दफा मना से दूसरे दफा में आ जाता है। ये देखिए बाकी के 3 भी हम ऐसे कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा एक रो हो गई है। दूसरी रो में क्या करेंगे, जो 3 में से एक फंदा हमने किया है दोस्तों उसको हम उल्टा बुनेंगे ऐसे, क्योंकि इधर 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 उल्टा आएगा और आगे से सीधा रहेगा। जिधर इधर सीधे तरफ हम उल्टा करेंगे, उल्टे तरफ सीधा, तो ये हमारा उल्टा है और ये सीधा है। इधर से हम सीधा बुनेंगे ऐसे,
और ये दूसरा फंदा वो वाला है दोस्तों जिस पे हम अपने कांटे पे ऊन लपेटे थे तीन में से एक करने से पहले। इसे भी हम सीधा बुनेंगे, फिर अपने ऊन को आगे लेंगे और जो फंदा हमने तीन उठाया था फंदों के बीच से उसे उतार लेंगे, फिर अपने ऊन को पीछे करेंगे, फिर ये दो फंदे जो हैं एक बुना है और एक लपेटा था वो वाला उल्टा बुनेंगे, सीधा बुनेंगे इधर से उधर से उल्टा रहेगा डिजाइन। फिर तीन फंदे को हम उतार लेंगे, फिर ऊन को पीछे करेंगे, फिर जो तीन में से एक किया है उसे दोबारा फिर बुनेंगे। यानी ये दूसरी रो हमारी बिल्कुल ऐसे जाएगी, बिल्कुल ईजी है दोस्तों। हम पूरी ये वाले सिलाई ऐसे ही बुनेंगे। और दोस्तों आ गई है हमारी तीसरी रो। तीसरी रो में क्या करेंगे दोस्तों, जो इधर से उल्टा है, इधर से हमारा जो सीधा था ना, अब ये उल्टा हो गया ऐसे। फिर अपने ऊन को पीछे करेंगे हम, जो तीन फंदे थे दोस्तों जिसे हम उतारे थे बैक साइड से, ये वाले वो फंदे, इसको उल्टा बुनेंगे, सीधा बुनेंगे ऐसे। इसे तीसरी रो में इसे बुनेंगे, ये दोनों उल्टा रहेंगे, उनको पीछे करेंगे, जो तीन फंदे हमने नया उठाया था उसे हम उल्टा बुनेंगे, सीधा बुनेंगे, सॉरी दोस्तों। इसी तरह पूरी कांटे हम ऐसे बनाएंगे, दो फंदे का हम उल्टा बुनेंगे और जो तीन फंदे हैं जो जिसे हमने उतारा है उसे सीधा बुनेंगे। अब हमारे दोस्तों पीछे वाला आ गए हम बैक साइड, ये हमारी चौथी रो है। तो चौथी रो का क्या करेंगे, दो सीधा बुनेंगे और एक उल्टा बुनेंगे। जो आगे से हमारा उल्टा है पीछे सीधा हो गया है, जो जैसे है उसे वैसे ही बुनेंगे दोस्तों। और ये हमारे पांचवी रो है दोस्तों। तो इसको भी जैसे बैक साइड बुने थे, जो सीधा है जो सीधा, जो उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे। ये जो दोस्तों जो हमने तीन का एक बनाया था सीधे तरफ से उसे सीधा बुनेंगे और जो हमारे दो बीच में उल्टा था उसे उल्टा बनाएंगे। और दोस्तों ये हमारा बैक है। अब छठा रो भी ऐसे ही करेंगे, इसे जो सीधा है उसे सीधा बुनेंगे, जो उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे। ये दोस्तों डिजाइन हमारी कम से कम छः सिलाई से बनती है, ये आखिरी सिलाई है, उसके बाद फिर दूसरी डिजाइन मतलब इसी के ऊपर इसी डिजाइन को दोबारा बनाना शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों छः सिलाई में हमारी ये डिजाइन कम्प्लीट होती है, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। अब इसी डिजाइन को हम दोबारा रिपीट करते जाएंगे। जैसे ये जो पहला फंदा है आप चाहे उतार दीजिए आपकी इच्छा है, और इन तीनों के बीच में ये जो है इन तीनों को फिर वही करेंगे दोस्तों, बीच में से फंदा ऐसे उठाएंगे, एक सीधा वाला और दो उल्टा वाला लेंगे। उठाने के बाद दोस्तों अपने कांटे के ऊपर एक राउंड लपेटेंगे और तीनों को एक बना देंगे, ये देख। फिर पहला सीधा और दो उल्टे में से नया फंदा लेंगे ऐसे,
फिर कांटे को लपेटेंगे और तीन फंदों को एक फंदा बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत पैटर्न लग रहा है। तो मेरे चैनल में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बाय।